भाई साहब हमारा गाड़ी गाड़ी में बैठे हैं, यहाँ से हमें दो जगह कोई और भी भाई लोग हैं पीछे उधर देख सकते हैं, बहुत सारा आदमी है जो गाड़ी अच्छा बहुत पुराने ज़माने का गाड़ी है। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं, उसके बाद लोग 15 किलोमीटर अभी यहाँ से टूर करेंगे हम लोग, तो हमें अपना सामान वामान रखना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ तो भाई साहब बैठ गए हम गाड़ी में, तो यहाँ से बोला कि यहाँ पर भी मैंने उन लोग होटल के बारे में पूछा, तो वो बोला यहाँ पर भी है, उसके बाद साइड में भी जो होटल मिल जाएंगे जिस साइड में हम जा रहे हैं। जो कैंडी लोग से आ गए थे वापस साटी विलेज में जाकर के मैंने वहाँ से हायर चेकिंग की। एक जो आदमी था जो फैमिली के साथ आ रहा था वो भाई साहब उसने मेरी हेल्प की यहाँ तक आने में, लगभग वहाँ से साटी विलेज से यहाँ की दूरी लगभग 14 किलोमीटर, तो 14 किलोमीटर हम हायर चेकिंग करके आए। वैसे हम टैक्सी भी पता किए तो वो 14,000-5,000 कुछ समथिंग मांग रहा था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। देखिए हायर चेकिंग के लिए जो मैंने रोड पर खड़ा था तो भाई साहब मिल गए, इसने मेरी हेल्प की और यहाँ ला करके छोड़ा। अब यहाँ से मुझे क्या करना है ना, अपना होटल खोजना है, कि होटल के लिए देखते हैं कि होटल कहाँ पर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर होटल थोड़ा एक्सपेंसिव है। हम देखें जो सस्ता होटल मिलेगा थोड़ा चल फिर करके देख लेते हैं, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो भी होगा सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। और ये जो नज़ारा देख रहे हैं यहाँ से भाई, आप देख सकते हैं ये सीन यहाँ का बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। उस साइड में ये रहा लेक, इस साइड में देखते हैं तो हम जाएंगे भी बाद में, सबसे पहले हम होटल खोल लेते हैं। और ये आई का सीन देख सकते हैं, इस साइड में भी देख सकते हैं पूरा माउंटेन वगैरह है, बेसिकली एक रिजॉर्ट है बहुत अच्छा सा यहाँ पर, तो यहाँ पर फैमिली के साथ या फिर ऐसे ही बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप। आप जो हमारे पीछे ये जो देख रहे हैं ये मेन कोलसाई लेक, तो यहाँ से आप बोटिंग वगैरह में भी जा सकते हैं। उसके अलावा देख सकते हैं उस साइड में और भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने के लिए है, लेकिन यहाँ का पानी जो है ना बहुत ही ठंड है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी है। यहाँ पर मछली वगैरह भी जितने नीचे वो भी दिखाई देते हैं, तो आप यहाँ पर स्विमिंग वगैरह शायद कर सकते हैं, ये तो नहीं पता क्यों अभी फिलहाल ठंडा पानी बहुत ज़्यादा है तो कोई स्विमिंग वगैरह करता नहीं है। तो ये बना कैसे था उसके बारे में बता देते हैं। ये कहा जाता है आज से लाखों साल पहले जो है बहुत बड़ा यहाँ भूकंप आया था, तो उसी केस में जितने भी पहाड़ वगैरह जितने माउंटेन है कोलब सगर के जो गिरा था उसी केस में जो ये बना है। और यहाँ पर जो है ना बहुत सारे छोटे छोटे झरने भी निकलते हैं, यहाँ से चले जाते हैं बाहर की ओर जाते हुए सिटी से नदी में जाकर के मिलते हैं। और एक चिरिनचोरण या कुछ इस तरह से नाम का एक नदी है, तो इसी से जुड़ा हुआ है, यहाँ सारा पानी उस नदी पर जाता है, वहाँ से फिर और सिटी में जितने नदी है तो वहाँ पर भी जाते हैं ये पानी। तो ये मेन रीजन था कोलसा लेक बनने का, तो उसी का नाम पर कोलसा लेक का नेम भी पड़ा है। तो अभी हमें यहाँ से जाना है हमें साटी विलेज के लिए, साटी विलेज जो कि यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर दूर थे, हम वहाँ जाएंगे और वहाँ से हमें जो हॉस्टल वगैरह भी बुक करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं साटी विलेज में।